ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस. ओके, देयर आर थ्री पॉइंट चार्जेस. फर्स्ट इज Q1, Q2 एंड Q3 विच इज टेकन फ्रॉम द इंफिनिटी. ओके, देयर आर थ्री लोकेशंस ऑफ पॉइंट P1, P2 एंड P3. ओके, Q3 चार्ज हम इनफाइनाइट से कहां पर ला रहे हैं, उसको P3 पॉइंट पर लेके आ रहे हैं. ओके, W1 हम लोग देख चुके हैं, W1 कितना है, 0 है. W2 हमने निकाल लिया कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12. ओके, इन दोनों चार्ज की वजह से. ओके, अब इस पॉइंट पर P3 पर इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, वो क्या होगा, W3 होगा. ओके, वो क्या होगा, W3 होगा. तो जब हम इस Q3 को यहाँ पर लेके आएंगे, देन ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों का जो फील्ड होगा वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. ओके, सो वी स्टार्ट द डेरिवेशन. ओके, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, R13 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस Q1 एंड Q3, एंड R23 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P2 एंड P3. ओके, नाउ वी ब्रिंग इन द चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P3. इंफिनिटी से हम कहां पे ला रहे हैं, उसको P3 पॉइंट पर ला रहे हैं. ओके, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्सेस एग्जर्टेड बाय Q1 एंड Q2. ओके, सम वर्क इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ Q1 एंड Q2. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, इट इज द W3, एंड W3 इज व्हाट, पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2. ओके, Q1 एंड Q2 से जो पोटेंशियल होगा P3 पॉइंट पर, वो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड Q3 जो चार्ज हम ला रहे हैं, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, W3 की हो जाएगी. ओके, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2. Q1 एंड Q2 से पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा, देखिए ये इस पॉइंट पर इस चार्ज से पोटेंशियल कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 upon R13, ये हो गया. प्लस इस चार्ज से पोटेंशियल कितना हो गया, इस पॉइंट पर कितना हो गया, 1/4πε0 Q2 upon R23. डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैंने रख दिया इसको 1/4πε0, और ये कॉमन आ गया, और ये Q1 upon R13 प्लस Q2 upon R23, तो सेपरेट दे, ये यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया, और 1/4πε0 कॉमन आ गया. ठीक है, और इनटू क्यू थ्री. ओके, इफ यू मल्टीप्लाई दिस Q3 इन दिस इक्वेशन, देन W3 इज व्हाट, 1/4πε0 एंड Q1 Q3, Q1 के साथ में Q3 से मल्टीप्लाई कर लिए, अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 upon R23. ओके, सो Q2 Q3 upon R23. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ W3. ओके, ओके, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम Q1, Q2, Q3 is what? U equal to total work done to assemble the three charges, that is W1, W2, W3. Okay? So U equal to what? What is the value of W1? W1 is 0. And what is W2? 1/4πε0 Q1, Q2 upon R12. And what is W3? We calculated. Okay? So put this value and add, and 1/4πε0 common, so Q1 Q2 upon R12 plus Q2 Q3 upon R23 plus Q1 Q3 upon R13. Okay, this is the required formula for the three system of charges. Okay, बहुत ही important formula है, कई बार 5 marks में question आ जाता है, इसके ऊपर numerical भी पूछे जाते हैं. Q1, Q2 एंड Q3 की वैल्यू आपको दे दी जाएगी.
R13, R12 और R23 की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। पूछा जाएगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, सो डिराइव दिस फॉर्मूला एंड राइट इन योर पैराग्राफ में। ओके ओके, एक न्यूमेरिकल मैंने लिया यहाँ पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंज द थ्री पॉइंट चार्जेस ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके हर एक वर्टेक्स पर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मैंने मान लिया वो क्यू चार्जेस हैं, इधर क्यू है, इधर क्यू है, इधर माइनस क्यू है, और सबकी वैल्यू आपको दे रखी है 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, माइनस 6 माइक्रोकूलम। ओके, इस साइड आपको दे रखी है 10 10 10। ओके, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12 Q1 Q3 upon R13 Q2 Q3 upon R23। ये फॉर्मूला आपको पता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए सारे चार्जेस की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार्ज अलग है, पोलारिटी बाकी सेम है। मैंने मान लिया Q1 कितना है, ये Q है, और Q2 कितना है, ये भी Q है, Q Q, ठीक है, और ये R है नीचे डिस्टेंस। अब Q1 तो ये Q ही है, और Q3 कितना है, देखिए माइनस Q है, तो मैंने माइनस Q लिख दिया अपॉन R, प्लस Q वापस Q2 कौन सा, ये वाला, और ये Q3, तो Q इंटू माइनस Q अपॉन R। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये माइनस क्यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये भी माइनस क्यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी आपके पास। ओके, ये तो डायरेक्ट आपको पता है 1/4πε0 कितना होता है, 9×10⁻¹ होता है। ओके, और सिर्फ ये वैल्यू बची है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए चार्ज की, तो माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, क्यू कितना है, 6 माइक्रोकूलम, तो 6 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶, और इसका स्क्वायर आप कर दें, और नीचे R कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.10, ये हो गया आपका 0.10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3 - 3.24 जूल। दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर द सिस्टम ऑफ दिस थ्री चार्जेस। इनको अरेंज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -3.24 जूल। ओके, इस तरीके से न्यूमेरिकल जो वो पूछा जाता है, नोट कर लीजिए आप इसे।